हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। क्या मसीही स्त्री को करवा चौथ मनाना सही है, उनके लिए सही है या गलत, या फिर सच में करवा चौथ व्रत रहने से आपकी पति की उम्र लंबी होगी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। भैया ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए भैया, हमारा वीडियो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ना तो किसी को ठोकर पहुंचाना है बल्कि सत्य को बताना है। वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देख लेना और लास्ट तक देख लेना। देखिए, बाइबल हमें इस विषय में आज्ञा नहीं देती है कि तुम करवा चौथ व्रत रहो। देखिए कि दिन भूखा रहने से आपके पति की उम्र लंबी नहीं होगी। इसके लिए हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। इफिसियों 5:12 में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के। देखिए, जो लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं कि मेरे द्वारा पति की उम्र लंबी होगी, काला साया हट जाएगा। देखिए, परमेश्वर में इस विषय में क्या सिखाता है। देखिए, कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने पति का आदर नहीं करना और अपने पति से छिपकर लज्जा का काम करना जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, दूसरे के साथ विचार करना, दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, जैसा नित्योचन 12:4 में लिखा हुआ है, आंख खोलकर वीडियो को ध्यान से देख लेना। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही बताया जा रहा, ठीक है भैया। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानव उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली पत्नी ओ पत्नी, जो अपने पति का आदर करना, सम्मान करना, जो अपने पति को खुश करती है, जिसे कहते हैं इज्जत करना। मगर वो पत्नी जो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मतलब क्या? देखिए, जो अपने पति का आदर नहीं करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, वे स्त्री अपने पति के हड्डियों के सड़ने का कारण बनते हैं। बहुत सारी स्त्रियां एक साल में करवा चौथ का व्रत रहती हैं और बाद में अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ संबंध बनाना, अन्य दिनों में लज्जा का काम करना। पहला पत्रस 3:1-2 में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भाई सहित चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। और आगे हम पढ़ देते हैं 7 में, वैसे ही है पत्नियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर उसकी बात कर रहा है भैया, जिसका जीवन कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, करवा चौथ का व्रत रहो, इससे तुम्हारे पति की उम्र लंबी नहीं होगी, ठीक है। वो धीरे धीरे चिंता करके उसका जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्रियो, आंख खोलें, ठीक है, सच्चाई को पहचाने जाने, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए, आज के संसार में शादी से पहले एक लड़की लड़के के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, कितनी शर्म की बात है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से साफ कह रहे हैं, पहला पत्र 4:3 में, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, बचपन की बुरी अभिलाषाओं, मथुआला पर लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और दलित काम, मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने अपना पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। देखिए, जब आप प्रभु में नहीं थे तो सांसारिक जीवन बिताते थे, मूर्ति पूजा पूजते थे, वही बहुत हुआ। अब आप मसीह में आए हो तो वह नई सृष्टि है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हम आपके लिए वचन पढ़ देते हैं रोमियों 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। ये वचन बदलता जाए, हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना है, संसार से अलग रहना है, क्योंकि अब हम मसीह में आए हैं तो हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। देखिए, जो मसीह में आए हैं या नए विश्वासी हैं, ठीक है,
आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं परमेश्वर में अनंत काल का जीवन दे देगा। स्वर्ग में आरे गहरे नत्थु खेरे नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वही जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, वही स्वर्ग उठाए जाएंगे। हर त्योहार मनाने वाले, करवा चौथ व्रत मनाने वाले, होली दीपावली मनाने वाले, ये स्वर्ग नहीं उठाए जाएंगे, भाई परमेश्वर का जीवन देखता है। ठीक है मेरे प्रियो, इस वीडियो को दबा के सर गिरे, ठीक है, सच्चाई को जानो भाई, वचन पढ़ो सैतान को हराओ वचन से, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो को समझ में आया होगा, ये वीडियो अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस सैतान की जाल से बच सके। परमेश्वर इसके लिए आपको बहुत सारी आशीष देगा, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक, आमीन।